बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान, एडवोकेट। दोस्तों, हम बात करें आईने पाकिस्तान की, और आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 122 के वाले से। 122 से कहता है कि सालाना कैफियत नामा मीज़ानिया की बाबत तरीक़ाकार, मीन के प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। और इसके जो पोर्शन नंबर 1 है वो ये कहता है कि सालाना कैफियत नामा मीज़ानिया के इस हिस्से पर जो सूबाई मजमूई फंड से वाजिलदा मुसारफ से तलक रखता हो, सूबाई असम्बली में बहस हो सकेगी, लेकिन इसे सूबाई असम्बली की राय देही के लिए पेश नहीं किया जाएगा। और इसी तरह पोर्शन नंबर 2 में ये कहा गया है कि सालाना कैफियत नामा मीज़ानिया का वो हिस्सा जो दीगर मुसारफ से तलक रखता हो, मुतालबात ज़र की शक्ल में सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा, और इस असम्बली को किसी मुतालबे को मंजूर करने या मंजूर करने से इनकार करने या किसी मुतालबे को इसमें मुसर्रा रकम के तख़फीफ़ के ताबे मंजूर करने का अख्तियार हासिल होगा। और इसी तरह इसका जो पोर्शन नंबर लास्ट है, पोर्शन नंबर 3, ये कहता है कि सूबाई हुकूमत की सिफारिश के बगैर कोई मुतालबा ज़र पेश नहीं किया जाएगा। ये जी आर्टिकल नंबर 122 आईने पाकिस्तान।